नमस्कार दोस्तों, मैं संजय दुबे ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम प्रेरणादायक कहानी में लेके आए हैं सच्चा परिश्रम। दोस्तों, बनारस के छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी खेती बाड़ी थी। उससे उसे जो कुछ मिल जाता था वह उसी से गुजारा कर लेता था और अपनी छोटी सी गृहस्थी की गाड़ी खींच रहा था। वह कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता था। दोस्तों, संजोग की बात है, एक दिन गोपाल का एक बैल मर गया। बेचारा किसान बड़ी परेशानी में पड़ गया। जुताई का समय था, खेत को जोतना बहुत जरूरी था। समय निकल जाने के बाद खेत जोतने से कोई लाभ नहीं होता। एक बैल के मर जाने से उसके पास एक ही बैल बचा था। वह बड़ी परेशानी में बैठा हुआ था। उसे इस प्रकार बैठा देख उसकी पत्नी ने उससे पूछा, क्या बात है, आप इस प्रकार मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? गोपाल ने कहा, अरे क्या बताऊं, जुताई का समय है, एक बैल के मर जाने से एक बैल से खेत जोतना नामुमकिन है, इसी चिंता में बैठा हूं। दोस्तों, पत्नी ने कुछ सोचकर कहा, देखो जी, हमारे पास एक बैल तो है ही, जुताई में दूसरे बैल का स्थान पे मैं लग जाती हूँ, इस प्रकार हमारा काम भी हो जाएगा। गोपाल ने काफी सोचा, इसके अलावा उसके पास कोई चारा नजर नहीं आया। वह पत्नी को लेकर खेतों पर आया और हल के जुए में एक ओर बैल को बांध दिया और दूसरी ओर अपनी स्त्री को। दोस्तों, अचानक उसी समय उस राज्य का राजा अपने रथ से गुजर रहा था। उसकी निगाहें खेत पर काम कर रहे गोपाल पर गई, जिसने हल के जुए में एक तरफ बैल और दूसरी तरफ अपनी स्त्री को जोत रखा था। दोस्तों, राजा को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और साथ में दुख भी हुआ। वह अपने रथ को रोककर गोपाल के पास जाकर बोला, यह तुम क्या कर रहे हो? गोपाल ने निगाह उठाकर राजन की ओर देखा और बड़े ही नम्र से कहा, हे राजन, मेरा बैल मर गया है और मुझे खेत जोतना जरूरी है। राजा ने कहा, भले मानस, कहीं स्त्री से भी बैल का काम लिया जाता है? गोपाल बोला, क्या करूं राजन, इसके अलावा मेरे पास और कोई उपाय नहीं है। राजा कहने लगे, तुम ऐसा करो, मेरा एक बैल राजमहल से लेके आओ। गोपाल ने बोला, हे राजन, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं राजमहल जाऊं और वहां से बैल लेकर के आऊं, क्योंकि तब तक मेरा ये जो खेत है वो खराब हो जाएगा। राजा ने बोला, सुनो भाई, तुम इस स्त्री को बैल लाने भेज दो, जब तक यह आएगी तब तक मैं उसकी जगह काम करूंगा। गोपाल की स्त्री ने कहा, तुम तो बैल देने के लिए तैयार हो, पर क्या आपकी पत्नी बैल देंगी? कहीं इनकार तो नहीं कर देंगी? दोस्तों, राजा बोले, तुम चिंता मत करो, ऐसा नहीं होगा। गोपाल भी राजी हो गए। उनकी स्त्री बैल लाने के लिए राजमहल चली गई और राजा ने हल का जुआ अपने कंधे पर रख लिया। दोस्तों, किसान की स्त्री राजा के महल में पहुंची और उसने रानी के पास जाकर राजा की बात कही। तो रानी बोली, अरे बहन, एक बैल से कैसे काम चलेगा तुम्हारा? तुम्हारा बैल तो कमजोर होगा। हमारा बैल मजबूत है, दोनों साथ काम नहीं कर पाएंगे, तुम हमारे दोनों बैल ले जाओ। स्त्री को बड़ा आश्चर्य हुआ
उसे तो डर था कि वह एक बैल लेने के लिए आई थी और डर इस चीज का था कि वह एक बैल देने से इनकार कर देगी, पर यहां तो रानी ने दोनों बैल देने के लिए राजी हो गई। दोस्तों, स्त्री बैलों को लेकर के आई और पूरे खेत की बुआई हो गई। कुछ समय के बाद फसल हुई। गोपाल ने देखा तो वह आश्चर्य में पड़ गया। सारे खेत में अनाज पैदा हुआ है, किंतु जितनी जमीन पर राजा ने हल चलाया था और उसका पसीना बहा था। दोस्तों, आप विश्वास नहीं करोगे, उतनी जमीन पर मोतिया उगे थे। यह सच्ची मेहनत का फल था। जहां राजा अपनी प्रजा की भलाई के लिए अपना पसीना बहाता है, वहां ऐसा ही फल प्राप्त होता है। दोस्तों, ये कहानी मैं यहीं संपन्न करता हूँ। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है पर्याप्त है। जय श्री राम।